फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद लखनऊ में दरगाह हजरत कासिम शरीफ पहुंचे और चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस दरगाह से उनका और उनकी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। नेताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी इस दरगाह पर आते थे। उन्होंने अमर सिंह को याद करते हुए कहा कि वो भी इस दरगाह पर बराबर आते थे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं सांसद भी बाबा की दुआ से बना हूँ। दरअसल फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद 3 दिवसीय उर्स के अंतिम दिन दरगाह हजरत कासिम शहीद पहुंचे थे। उन्होंने वहां चादर चढ़ाई और दुआ भी मांगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इस दरगाह से हमारा पुराना नाता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह भी यहां बराबर आते थे। उन्होंने कहा कि बाबा की दुआ से मैं अयोध्या का सांसद बना। उन्होंने आगे कहा कि ये बाबा की दुआ है कि आज नेताजी के बेटे अखिलेश यादव सफल हो रहे हैं, हिंदुस्तान में उनका नाम हो रहा है। ये दरगाह पर आज मुझे बहुत खुशी है और आने का मौका मिला, क्यों तो मैं करीब करीब जब लखनऊ में रहता था मंत्री आवास में 5 नंबर पे, तो करीब करीब जब भी हम आते थे यहाँ, यूँ कहीं हम रोज आते थे जी, तो इनके यहाँ माथा देखते थे और इनसे दुआ लेते हैं। आज इनकी दुआ है और आवाम की दुआ है और देवतुल मतदाताओं की दुआ है, प्रभु भगवान की कृपा है और इनकी मेहरबानी कि आज मुझे जहाँ भी खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। हिंदुस्तान की आज के इस कार्यक्रम के हिंदुस्तान की ऐसी लोकसभा जिसकी चर्चा आज केवल अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, सारी दुनिया में हो रही है। 54 फैजाबाद जो अयोध्या जनपद में। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध चुनारगढ़ किला के बीच मौजूद है गंगा जमुनी तहजीब का ये नायाब नमूना बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह। चुनार की प्रस्तर कला की अनोखी मिसाल बाबा कासिम सुलेमानी की ये दरगाह अकबर और जहांगीर के समय की बताई जाती है और करीब 400 सालों से ज्यादा पुरानी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।